राष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता को गंवा दिया, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के ही विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बना ली। 29 जून की रात उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की एकनाथ शिंदे ने। 39 विधायकों के साथ बगावत की एकनाथ शिंदे ने और अब सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने के मामले को लेकर सुनवाई जारी है और दूसरी ही तरफ शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें 25 अगस्त को संविधान पीठ अब सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में लंबित कार्यवाही पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि असली शिवसेना उनकी है, वहीं उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जो लगातार कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर जो उन्होंने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई है। जी हां, बीजेपी और शिंदे गुट के बारे में बात की जाए तो अब इस गुट में दरार आती हुई दिखाई दे सकती है। जी हां, जहां एक तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर सियासत तेज हुई दोनों ही गुटों में, लेकिन अब यहां देखने को मिल रहा है कि खींचतान और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आने वाले चुनाव को लेकर इस वक्त सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। इस गठबंधन में भले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन फ्रंट फुट से खेलती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। जहां एक तरफ हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, और उनके इस बयान के बाद देखने को मिला कि बीजेपी ने बुलढाणा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रताप जाधव जो फिलहाल यहां से सांसद हैं और शिंदे गुट में आने वाले शिवसेना के 12 सांसदों में से वह एक है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, केंद्रीय श्रम मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जो जल्द ही बुलढाणा का निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं, और वहां पर 16 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जिन पर बीजेपी की विशेष नजर है। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 45 सीटों का टारगेट हासिल करके बीजेपी यहां से जीतना चाहती है। वहीं शिंदे गुट के नेताओं का ये मानना रहा है कि चंद्रशेखर बावनकुले ने उनसे बातचीत किए बिना ही बुलढाणा को लेकर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है, और ऐसे में गठबंधन जो है वह बिगड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, विधान परिषद की सीटों को लेकर भी काफी ज्यादा यहां पर सियासी माहौल देखने को मिल सकता है। विधान परिषद की जिन 12 सीटों पर मुकाबला होना है, वहीं बीजेपी शिंदे गुट को केवल 2 सीटें ऑफर कर रही है, और ऐसे में दोनों गुटों में सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं नगर निगम चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला फंसा हुआ है। जी हां, बीजेपी के मुंबई चीफ आशीष शेलार ने कुछ दिनों पहले ही बड़ा बयान दिया और कहा था कि मुंबई का अगला मेयर बीजेपी का होगा। ऐसे में देखा जाए जो शिंदे गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। बीजेपी यहां पर अहम फैसले आगे बढ़कर लेती हुई दिखाई दे रही है। भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर बीजेपी के दाव पेच के बीच अपने गुट को कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ वह देख सकते हैं। वक्त के साथ साथ देखा जाए जिस तरीके से यहां पर खींचतान देखने को मिल रही है, शिंदे की सरकार मुश्किलों में पड़ी हुई है, और ऐसे में यहां पर एनसीपी का ये दावा रहा है कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चले लेकिन और अगर ऐसा ही रहा तो एकनाथ शिंदे का इस्तीफा बहुत ही जल्दी तय हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ 3।